नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती हैं। हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई 10 बातें आज मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। चाणक्य जी कहते हैं अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। दोस्तों, अधिकांश लोग अपने चहेतों को, अपने नजदीकी रिश्तों में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, जो उन्हें बाद में महंगी पड़ जाती हैं। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले पैदा होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्तों में बंध जाते हैं। ऐसे में आप अपनी कमजोरी इन रिश्तों में बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती हैं, और जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, चाहे वो आपका दोस्त या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचें। चाणक्य जी कहते हैं आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं, जब लोगों के पास सुख सुविधा, धन वैभव होने के बावजूद भी वे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन जाता है। दोस्तों, ये किस कारण होता है? हमारे एक दोष के कारण। भले ही आपके अंदर बहुत से गुण हों, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो, या आप पैसे वाले हों, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे नशेबाजी करना, अय्याशी करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दें, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। अगली बात, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं धन को सोच समझकर खर्च करें। दोस्तों, ये बात के तो आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम सब कंगाल हैं। बात बिल्कुल पते की है। बिना धन के ना तो इज्जत है और ना ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है, और कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा ही दुरुपयोग करते हैं। वो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें, क्योंकि समय का कुछ भी पता नहीं कब पलट जाए। और आचार्य चाणक्य की ये लाइन हमेशा याद रखें। वो कहते हैं कि कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करेगा तो एक दिन कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाएं, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तभी खर्च करें। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं बदनामी से डरें। दोस्तों, अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि मर जाएं, क्योंकि मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी, और जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है, क्योंकि यह आदमी को जीते जी हर पल मारता है। ये होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया। दोस्तों, जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीनी पड़े, क्योंकि एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस लोगों की नजरों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले हजार बार जरूर सोचें। चाणक्य जी कहते हैं आलस्य को त्याग दें। दोस्तों, इस दुनिया में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में तो लोग 100% हैं, तो आखिर ये 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? अब आप कहोगे कि इन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे। नहीं, गलत।
आज ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियां छुई हैं। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए भी अमीर बन गए। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है आलस्य का। जहां 80% लोग किसी काम को करने में आलस्य करते हैं, तो वहीं 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस्य त्यागो और परिश्रम करना सीखो। याद रखो, आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो बात ना सुने उस पर कभी विश्वास ना करें। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं। आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी तो वो उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करें तो समझ लें कि ये इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिसे आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी निजी या इंपॉर्टेंट बातों को ऐसे लोगों से करने से बचें। अगर आप ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता देंगे तो समझ लें कि अब आपकी ये बातें निजी नहीं रहीं। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं, इसलिए इन लोगों पर कभी विश्वास ना करें। चाणक्य जी कहते हैं, अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या आपसे ज्यादा प्रतिष्ठा के हों, क्योंकि ऐसी मित्रता आपको कभी खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करेंगे तो आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपकी कुछ हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। वहीं आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाएगा। आप उसके सामने खुद को छोटा महसूस करेंगे, जो आपके आत्म सम्मान के लिए ठीक नहीं होता। अगर मुसीबत के समय कभी वो आपकी हेल्प ना कर पाए तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही होना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हमें भूत के बारे में कभी पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि विवेकवान व्यक्ति हमेशा ही वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिएं। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक चीज है और वो है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहेंगे तो खुद को ही दुखी करेंगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस आने वाला तो है नहीं, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो तो वो भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर अपना आज खराब ना करें। आपके पास सिर्फ अभी का पल है, इसलिए इसे जिएं। इस पल को ऐसे कार्य में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। आप अपने आज को संवारते रहो, आपका आने वाला कल अपने आप ही सही होता जाएगा। चाणक्य जी कहते हैं, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। दोस्तों, आप मानो या ना मानो पर अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वो व्यक्ति दुखी रहता है और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है और सभी दुखों की जड़ लगाव होती है। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप मोह माया के चक्र में फंस जाते हो और यही आपके दुखों का कारण होता है। चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में सटीक बैठती हैं। दोस्तों, आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में रहने लगा है। अपनी नौजवानी की एज को छोड़कर वो रिश्ते में रहने लगा है और जब इस रिश्ते में थोड़ी सी आपसी खींचतान या झगड़ा होता है तो वो तनाव लेकर बैठ जाता है। उसे अपने पार्टनर को खोने का भय रहता है और इस चिंता में वो टेंशन में डूबा रहता है। वो खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस जाता है। अगर ये लगाव नहीं होगा तो वो अपने लिए वक्त निकालेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा और अपने करियर में सफल होगा। इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचें जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव हो। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ
आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो।